हेलो साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेके हाजिर हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, कैथी या देवनागरी। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक में, महाराष्ट्र तथा गोवा में, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है? तो ये कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। अतः कोई विकल्प सही नहीं है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो इसका आंसर है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो भाषा राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हिंदी डॉट डॉट भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधी, देवनागरी, ब्रज या संस्कृत? तो इसका आंसर है, हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी यानी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। आगे है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो यह है दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार में? तो ये बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। या पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। उसके बाद में 8 नंबर है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राजभाषा या साहित्य या राष्ट्रभाषा या बोली। तो इसको कहा जाता है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। ये UPSI 2017 में आया हुआ प्रश्न है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से
माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज वा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी, कोस कोस पर बदले पानी और पांच कोस पर बानी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धियों होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन है द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडमिस, लॉर्ड मैकाले ने, वारन हेस्टिंग ने। किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने किया। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र? तो परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। आगे है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद या फरुखाबाद में? तो ये बोली जाती है आपके, कन्नौजी बोली मुख्यतः फरुखाबाद ज़िले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्गीय बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज से, ब्राचड़ से, सौरसेनी से या मागधी से? तो इसका आंसर है सी नंबर। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी सिंधी की तथा मागधी से बिहारी की बिहारी मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला है गुजराती, दूसरा है मराठी, तीसरा है बंगाली और चौथा है तमिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे मराठी, चौथे तेलुगु और पांचवे पर तमिल। उसके बाद में, किस वर्ष को हिंदी भाषा को कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव दिया था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव दिया था? 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1960 को या 14 सितंबर 1964 को? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 15, रोमन लिप का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिप का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ऑप्शन है कुल्लई, कुल्लुई, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश। आंसर है कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिप का प्रयोग नहीं होता है,
अन्य भाषाएं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि, जो गुरमुखी से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती थी। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो मानक भाषा है, या पश्चिम भाषा है, या हिंदुस्तानी भाषा, या साहित्यिक भाषा है? पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान यानी हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। अगला नंबर है 17 नंबर, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है सिलीगुड़ी, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो ये कहाँ बोली जाती है बघेली बोली? तो ऑप्शन डी सही हो गया, बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। या बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मांडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली जाती है, जिसका अन्य नाम रिवाई भी है। 18 नंबर है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, बांगरू, निमाड़ी और बुंदेली। तो इसमें बांगरू जो बोली है वो मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहां की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, राघड़ी बोली कहां बोली जाती है? केरल में बोली जाती है, या हरियाणा में बोली जाती है, या मध्य प्रदेश में बोली जाती है, या उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा हरियाणा में। राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, या हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रागड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में बोली जाती है। रांगड़ी राजस्थान में जो बोली जाती है वो रांगड़ी है, और हरियाणा में जो बोली जाती है वो रागड़ी है। ठीक है, अगला है 20 नंबर, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद में है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, या बोली कहते हैं, या लिपि कहते हैं, या भाषा कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं, और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। उसके बाद में हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में
या हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। तो कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी प्रसिद्ध है। ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान में बोली जाती है। अन्य बोलियां भी हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। उसके बाद में आपका दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला है, उड़िया है, असमिया है या कन्नड़ है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो यहाँ ये दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है, या भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है, प्राकृतिक है, प्राकृत है या वैदिक संस्कृत है या पाली है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही, वैदिक संस्कृत सही होगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, संस्कृत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये वैदिक संस्कृत है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत हैं। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, या अवधी बोली जाती है, या बांगरू बोली जाती है, या ब्रजभाषा? तो यहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं, खड़ी बोली या कौरवी? खड़ी बोली या कौरवी कहाँ बोली जाती है? तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है, यानी शुद्ध हिंदी बोली जाती है। उसके बाद में है अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। बांगरू कहाँ बोली जाती है? तो बांगरू हरियाणवी, बांगुरी, बांगरू कहो या हरियाणवी, ये हरियाणा राज्य में बोली जाती है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं, बोलियां क्या हैं? कौन सा शब्द है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बोली है? तो क्या है ये बोलियां कौन सा शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य में बोलियां कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में किया जाता है। उसके बाद में है 28 नंबर, लौकिक संस्कृत डॉट 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 और डॉट 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 अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? पाली और प्राकृत, संस्कृत या प्राकृत, वैदिक और पाली, वैदिक भाषा और पाल, प्राकृत और पाल? तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पाल और प्राकृत होगा। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, ये यहाँ रिक्त स्थानों की जगह पे भरा जाएगा। लौकिक संस्कृत, पाल प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नोट में दिया है संस्कृत के बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद हिंदी आया। सबसे पहले कौन सी भाषा आई?
तो वो संस्कृत आई, उसके बाद में पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, फिर हिंदी आई। ये क्रम आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद में है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, तो ये ऑप्शन दिया है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो आधुनिक आर्य भाषा का काल ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक का है। नोट में दिया है भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेके से 1000 ईसा ईस्वी तक। उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का है जो है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद में हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, प्राकृत है या अपभ्रंश है या पाली है या संस्कृत है, तो ये अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद में हिंदी। ठीक है, ये UPSI यानी UP दरोगा में पूछा गया 2017 में 13 दिसंबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। यानी ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। स्पेशल ये UPSI और UP पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से एक दो बार देख लोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, एग्ज़ाम में पहुँचने से पहले कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद में ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, देवनागरी से, गुरुमुखी से, या कैथी से, या खरोष्ठी से। तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शहबाजगढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के शिलालेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भारत की ... सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। अब क्या होना चाहिए, यहाँ मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राज्यीय भाषा है या राष्ट्रभाषा, तो हमारे हिसाब से यह राजभाषा है। ठीक है, दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान टाइम में 22 भाषाओं हैं। ठीक है, उसके बाद में 33 नंबर है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ, अपभ्रंश से हुआ या संस्कृत से हुआ। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जाने लगा। जब विकास अपभ्रंश से हुआ वो उसी टाइम से ये
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जाने लगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश सौर सेनी आधुनिक भाषाएं। पहले अपभ्रंश सौर सेनी, ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सौर सेनी कहाँ बोली जाती है आधुनिक भाषाओं में? तो ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती में। मागधी ये बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। उसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी में जो बोली जाती भाषा है वो अर्धमागधी कहलाती हैं। उसके बाद महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री भाषा में, महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? तो ये मराठी भाषाएँ बोली जाती महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में। उसके बाद ब्राचाड़, ब्राचड़, ब्राचड़ में सिंधी भाषाएँ बोली जाती हैं, ठीक है। पहले ब्राचड़ थी, अपभ्रंश के टाइम में ब्राचड़ नाम था इसका, वर्तमान टाइम में सिंधी बोलते हैं इसे। उसके बाद पैसाची, पैसाची अपभ्रंश के टाइम में था, अब लहंदा पंजाबी बोली जाती है, लहंदा पंजाबी। आगे है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी व्याकरण, अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द है। उसके बाद पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि यानी वर्ण है, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो लेटर है, ठीक है। उदाहरण जैसे दिया है, राम शब्द में दो अक्षर है, रा और मा, यौम चार वर्ण है, रा आ मा आ, यानी वर्ण कितने हो गए? चार। अक्षर कितने हो गए? दो, ठीक है। तो भाषा की मूल इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। आगे है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी, व्यंजन कहलाएगी या आयोग वाह कहलाएगी? तो ये वर्ण कहलाएगी, शब्द की सबसे छोटी इकाई। किसी दो चार वर्ण को मिला के हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, आयोग वाह दो हैं, अंक और आ, ये क्या है? आयोग वाह है, अंक और आ आयोग वाह है। दो द्विगुण हैं, ढा ओढ़ा दो द्विगुण हैं, यानी डबल गुण है इसमें। उसके बाद चार संयुक्त वर्ण हैं, चार संयुक्त वर्ण हैं, छ त्रे ज्ञा और स्रा, इसमें ये संयुक्त वर्ण हैं, ठीक है। आगे है वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2 या 8? तो ये दो भेद हैं वर्ण के। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर है आ आ आ इ उ उ री ए आए ओ आओ, ये हो गया 11 स्वर हो गए, ठीक है। अब व्यंजन कितने हो गए? ये अस्पर्श व्यंजन हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। ये किस श्रेणी में आते हैं? अस्पर्श व्यंजन में, पा वर्ग तक 25 वर्ण यानी। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, यानी ये चार वर्ण हो गए अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, सा 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 हा, यानी जब बोला जाए तो कुछ गर्मी का अभाव हो, सा सा हा, ठीक है, तो इस कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर से बोला जाए, य र ल, ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श यानी
जीभ और ये होंठ स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन, का खा गा गा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और व्यंजन, लेकिन उसी में और भी पार्ट है। ठीक है, व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आ गया और ऊष्म व्यंजन आ गया, ये व्यंजन का पार्ट है। तीन पार्ट में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आगे है सा का उच्चारण स्थान, सा सलजम वाला सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका स्थान होगा तालु। क्या होगा? तालु, तालु का यानी तालव्य। तो छोटी बड़ी ई चा वर्ग, छोटी ई बड़ी ई और चा वर्ग और या सा मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा आपका तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु यानी तालव्य। ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म है, एक सूत्र है, ईचू ऐसा नाम तालु। ई दोनों ई आ गया, चा आ गया चू और या और सा, ईचू ऐसा नाम तालु, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद में है कंठ, कंठ यानी कठ, कंठ। तो इसका हो जाएगा छोटा आ बड़ा आ का वर्ग और हा। इसका सूत्र हो जाएगा आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। आकु यानी दोनों आ गया और कु आ गया का हा, आकुहा और विसर्जन ये हो गया विसर्जनीय नाम कंठा। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो, आकुहा विसर्जनीय नाम आकुहा, आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। उसके बाद में दंत, दंत का उच्चारण स्थान ता वर्ग और ला और सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, दांत यानी दांत स्पर्श करता है इससे बोलने में, तो इसका उच्चारण स्थान दांत की सहायता से किया जाता है। ता वर्ग यानी ता वाली पूरी लाइन, फिर ला और सा इसका उपयोग किया जाता है, मतलब दांत, दांत स्पर्श किया जाता है, दांत से बोला जाता है, दांत का इसमें ज़्यादा मतलब महत्व है। तो इसका सूत्र हो जाएगा लिर तु, लिर यानी ला, लिर्तु लसा नाम दंता। ठीक है, लिर्तु लसा नाम दंता। उसके बाद में है मूर्धा यानी मूर्धन्य, रीटू, री टा टा वर्ग आ गया और रासा, रीटू रसा नाम मूर्धन्य यानी रीटू रसा नाम मूर्धन्य, इसका ऐसे सूत्र बन गया। ईचू ऐसा नाम तालु, याद कर लो ऐसे, ईचू ऐसा नाम तालु। फिर उसके बाद में आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, लिर्तु लसा नाम दंता, रीटू रसा नाम मूर्धा। ये ऐसे याद कर सकते हो आप, वैसे याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे याद कर सकते हो। एक बार फिर से आप इसको वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र में, मूर्धा में, क्रम में, मातृभूमि में। मात्र कौन से व्यंजन में रा व्यंजन नहीं है? तो इसमें है मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, मात्र मात्र शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मार्ति, मा और आ और ता, मात री आ गया, ये री आ गया। ठीक, भूम भा ऊ और मा ई, भूम। मात्र में यहाँ रा आ गया, यहाँ भी क्रम में रा का प्रयोग किया गया, यहाँ भी रा का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ ये री का प्रयोग किया गया है, री से ऋषि वाला। ठीक है, इसीलिए पूछ लिया गया, घुमा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो नीचे री लगा है, यहाँ ये ता के नीचे लगा है, ये बाकी सब में रा स्पष्ट है, यहाँ रा लगा है, ऊपर भी लगा है, लेकिन ये नीचे का री का मात्रा लगा है, री से ऋषि वाला। ठीक है, तो यहाँ री डी में नहीं है। उसके बाद में कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? अड़ा जा दा ड, अड़ा अड़ा अड़ा, न, इसे ना बोला गया ना अड़ा, तो ये
उसी लाइन में आ गया, ठीक है। अड़ा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। ड़ा, ग्या, ड़ा, ना और मा, ये 5 अक्षर हैं जो नासिका और मुख से दोनों से मिलके बोले जाते हैं। कौन कौन से? ड़ा, या, ड़ा, ना और मा, ये और अनुस्वर, 5 अक्षर और अनुस्वर ये मुख और नासिका से बोले जाते हैं। उसके बाद में स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या हो जाता है, तब क्या कहलाता है? तो ये संयुक्ता अक्षर कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है। जब कोई स्वर रहित व्यंजन यानी कोई व्यंजन और कोई व्यंजन यानी उसमें कोई मात्रा यानी स्वर ना मिला हो तो फिर क्या कहलाएगा, वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। जैसे जब कोई स्वर सही स्वर रहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे छात्रा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। इनका विवरण का और सा, का और सा मिलके ये छा हो गया, ता और आ मिलके त्रा हो गया। यहाँ कोई भी स्वर का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ भी जा और यहाँ का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब स्वर का प्रयोग यहाँ चारों अक्षरों में नहीं किया गया। ये व्यंजन व्यंजन मिलके एक संयुक्त अक्षर बन गए हैं, ठीक है। जा और ज्ञा का यहाँ का प्रयोग हो गया तो ये क्या हो गया, ज्ञा। उसके अंदर यहाँ सा और रा का प्रयोग हो गया, स्रा हो गया। आगे है, निम्न में तालब्य ध्वनि है, निम्न में तालब्य ध्वनि कौन सी है? तो क्या बताया था, ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू ऐसा नाम तालु। अब आपने जो ईचू ऐसा नाम तालु याद कर लिया उसी से आप ढूंढ लोगे तुरंत। ये ना देखो, ये वाला आइटम ना देखो, ये वाला पार्ट ना देखो, जब भी आप मान लो एग्जाम में तो ये रहेगा नहीं, ठीक है, तुरंत ढूंढ लोगे। ईचू ऐसा नाम तालु, ऐसा सा आ गया, ठीक, तो यानी सा का हो जाएगा तालब्य यानी तालु हो जाएगा, ठीक है, तुरंत मार देंगे टिक सी पर, आगे बढ़ लेंगे। ये उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया, प्रथम पाली में 18 तारीख को पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में सा तालब्य ध्वनि है, सा तालब्य ध्वनि है। निम्नलिखित ध्वनियाँ निम्नानुसार हैं, तालब्य यानी तालु, ये फिर वही सूत्र एक हिसाब से लगा दो, सूत्र बना लो, ऐसे ट्रिक बना लो, सूत्र नहीं ट्रिक, सूत्र कहो या ट्रिक कहो, ठीक है। ईचू ऐसा नाम तालु, ई दोनों ई आ गया और चा, चू मतलब चू का मतलब पूरा वर्ग इसका आ गया, चा छा जा झा इया और या और सा, ईचू ऐसा नाम तालु। उसके बाद में है ओष्ट, ओष्ट ध्वनिया, तो ओष्ट में इसका बना लो एक, ठीक है। उपपद्मानिया नाम ओष्टा, उपपद्मानिया नाम ओष्टा यानी ऊ से दोनों ऊ आ गया और पद यानी पावर, उप पावर मानिया नाम ओष्ठा, तो ये इसका ट्रिक हो गया। उसके बाद में है मूर्धन्य का, मूर्धन यानी मूर्धा ध्वनि का, तो इसमें इसको ऐसे याद कर लो, रीटू रसा नाम मूर्धा, री और टू से टावर पूरा आ गया, रा से रसा, रा से रसा, ये वाला सा ध्यान रखना, ये वाला प्रयोग किया गया मूर्धन्य में, ठीक है। रीटू रसाना मूर्धन, 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लोगे या कहीं लिख के मतलब 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे है कंठ ध्वनियाँ, अब कंठ ध्वनियाँ मैंने आपको बताया था, आकुहा विसर्जनिया नाम कंठा, आ से दोनों आगे आ गया, कु से पूरा कावर गा गया, का खा गा घा अंगा और हा आगे ही गया, तो इसमें आकुहा विसर्जन नाम कंठा। ये 4-5 लाइन आप याद कर लोगे तो बिल्कुल कभी भी दिमाग से आपके हटेगा ही नहीं। उसके बाद में दंत का, ता वर्ग सा और ला यानी लिरतु लसा नाम दंता, लिर लिरतु लसा नाम दंता। उसके बाद में
उसके बाद में है निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अब अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, अघोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होता, जैसे बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होता उसे कहते हैं अघोष वर्ण, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन तथा सा सा हा अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक लाइन में जो है, जैसे का वाली लाइन में का खा चा छा, उसके बाद में चा छा टा ठा, फिर ता था, ये जो पहला दूसरा अक्षर है ये क्या होता है अघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद में ये तीन अक्षर सलजम वाला सा, फिर षटकोण वाला सा और छोटा सा, ये तीनों मिला के ये सा क्या होते हैं, ये अघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद में है आपका सघोष वर्ण किसे कहते हैं। अब इसमें देखिए, अब अघोष वर्ण हमें ढूंढना, तो पहला और दूसरा ढूंढना था, पहला और दूसरा, पहला दूसरा का खा गा गा, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यानी पहला दूसरा जो अक्षर मिल जाए वही अघोष होता है, ठीक है। तो यहाँ ये का हो गया अघोष वर्ण। उसके बाद में सघोष वर्ण किसे कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं जिन वर्णों के जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा, यानी तीसरा चौथा पाँचवा, पहले दूसरे को छोड़कर तीसरा चौथा पाँचवा क्या कहलाता है, सघोष वर्ण। जैसे का खा ये दोनों हो गया, क्या हो गया अघोष वर्ण। उसके बाद गा क्या हो गया सघोष वर्ण, गा घा अंगा ये हो गया सघोष, यानी पीछे के तीन अक्षर सघोष वर्ण हो गए। उसके बाद में 10 नंबर, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो यानी जहाँ कई वर्ण होंगे तो उसे अक्षर, एक वर्ण को एक अक्षर कहेंगे, वर्ण को वर्ण कहो या अक्षर कहो, ठीक है। तो एक ही बात हो गई, सर्वनाम तो ये व्याकरण प्रयोग हुआ, किसी किसी मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कोई कार्य कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो वर्णों की समुदाय यानी इकट्ठा जहाँ समुदाय पूरा है, पूरा झुंड है, उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, यानी ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे लिखा है राम, ठीक है, तो राम खाना खा रहा है, अब राम खाना खा रहा है ये बोला गया, या बोल दिया गया वह खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है, राम के जहाँ पे वह प्रयोग किया गया, वह जो प्रयोग किया गया ना वही सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं तुम हम वह आप आदि आदि, मतलब और भी अक्षर हैं उनको हम क्या कहते हैं, और भी शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का होना करना या समझाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना पढ़ना सोना चलना दौड़ना जाना, ये सब क्रिया की गई, किसी के द्वारा कोई क्रिया की गई, ठीक है, तो ये क्रिया कहलाएगी, कोई काम किया गया यानी क्रिया की गई। ए के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। अब ए के उच्चारण स्थान में क्या आएगा, ए के उच्चारण में क्या आएगा, तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, किसकी सहायता ली जाती है, कंठ और तालु की, ठीक है। वा के उच्चारण में दंत वोष्ट, वा के उच्चारण में दंत और वोष्ट की सहायता ली जाती है। तो यहाँ सी नंबर सही हो गया, सी वाला आंसर सही हो गया, यानी आ और या मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाएगा।
आगे है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं, यानी जो एक ही अक्षर से बोल दिया गया, उसमें कोई मात्रा का या कोई भी लफड़ा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बिना बिना स्वर के आप बोल ही नहीं सकते, यानी कोई भी व्यंजन बोल ही नहीं सकते। जैसे बोला गया का, तो उसमें आ आ गया। चा बोला गया तो आ गया, यानी स्वर मिला है उसमें जरूर। ठीक है, उसके बाद में ढा, ढा का, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ढा ये किस वाले उसमें आएगा? तो ये टा, टा वाले वर्ग में आएगा। टा वर्ग का चौथा है ये। ठीक है, तो ये टा वर्ग। रीटू रसाना मूर्धन्य, ये मूर्धन्य का होगा। ठीक है, ढा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, या टा वर्ग के अंतर्गत चौथा वर्ण है। टा वर्ग का चौथा वर्ण है टा, ठा, डा और ढा, टाठा, डाढा, टाठा, डाढा, अड़ा। उसके बाद में है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, ना कि 13 है। यहाँ आ और अंक, अंक और अहा, ये अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, इनको स्वर में गिनती नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे है, ये दिए हैं 11 के 11। आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए आई ओ औ, और अंक और आ, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जा आ, चा टा, ई आ और पा। तो यहाँ चा और आ, यहाँ ई दोनों स्त्रीलिंग है, बाकी सब में कोई ना कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुरुष है। टा उपा, वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, अन्य सभी अक्षरों में पुल्लिंग बनेंगे, जैसे सूची, सूची, मोनी, मांडवी आदि। आगे है, चा वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग किस में आएगी? चा वर्ग किस में आएगा? तो बताया था ईचू ऐसा नाम, तालू, तालू, तालू कहाँ लिखा है? तालब ये लिखा है। ठीक है, चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया, ध्वनियाँ तालब के अंतर्गत आती हैं। कंठ में का वर्ग, कंठ में का से कंठ, काउ का से, ये का, खा, गाघा, अंगा की, तथा दंत में ता वर्ग, ता, था, दा, यानी दंत से दा, देखो दा वाली लाइन में दा आ गया तो ये दंत हो गया, आती हैं। तथा वत्सर, वत्सर वर्ग में रा, सा ध्वनियाँ दंत मूल मसूढ़ा के अंतर्गत आती हैं। वत्सर वर्ग में रा और सा ध्वनियाँ दंत मूल यानी मसूढ़ा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में द, आ, का, सा, आ, क्या हो जाएगा ये? दक्ष, द, आधा द और फिर आ लग गया, पूरा द हो गया ये, का और छा, ये दक्ष हो गया, तो इसका दक्ष सही हुआ। ठीक है, ये द आ का सा, ये इसमें ये आधा था, इसमें पूरा करने के लिए छोटा आ का मात्रा लग गया, तो ये हो गया पूरा दक्ष। दक्ष होता है शेष। विकल्पों में निहित शब्दों का वर्ण विन्यास इस प्रकार है, द आ औ स आ, द आ सा सलजम वाला सा, औ आ, द आ ग, औ आ,
ठीक है, ये अलग अलग ऐसे विन्यास किया गया, अलग अलग शब्द को बिल्कुल अलग अलग किया कर दिया गया है, व्याकरण ओ व्यंजन अलग कर दिया गया, स्वर अलग कर दिया गया, इस प्रकार अलग किया जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का वर्ण विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, व्यंजन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बोला गया का का खा चा दा, सब में आ आ गया, यानी स्वर की सहायता से बोला गया, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, व्यंजन कहेंगे। आगे जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे यथा का और आ, का बोला गया तो आधा का बोला गया क, लेकिन जब आ लग गया तो ये हो गया का, पूरा सम पूर्ण अक्षर हो गया का, यानी आ लग गया इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित यानी स्वर हटा दिया जाए, खाली व्यंजन व्यंजन का प्रयोग किया जाए, तो इसमें जैसे अब का लिखा गया तो इसमें ये स्वर स्वर भी है इसमें और व्यंजन भी, यानी पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसमें एक हलंत लगा दिया गया तो ये इसमें स्वर नहीं रह गया। ठीक है, यानी आधा का लिखा है। ठीक है, तो इसमें अनुस्वर लगाएंगे नहीं, अनुनासिक लगाएंगे नहीं, स्वर लगाएंगे नहीं, इसमें हलंत हलंत लगा देते लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर रहित यानी स्वर नहीं रह जाएगा इसमें। जैसे का है या चा है, इसमें ऐसे हलंत लग गया, दा है ऐसे हलंत लग गया, तो इसमें स्वर स्वर हट गया मान लो। ठीक है, तो स्वर हटाने के लिए दिखने के लिए कैसे प्रयोग क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे तो ये स्वर हट अपने आप हट जाएगा। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, यथा चा और आ, आधा चा हो गया, ये आधा चा हो गया। ठीक है, अब स्वर हटा दिया गया तो ये आधा चा ही तो रह जाएगा, यानी व्यंज ऐसे रह जाएगा। कमल का आ मा आ ला, सब में आ जुड़ा, यानी सब में स्वर जुड़ा है तब ये कमल जाके बना। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग किया हुआ है। अब री देखो, इसमें रा लगा ऐसे, का रा ये ऐसे लगा है। ठीक है, यानी रा का प्रयोग, ये वाला रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी रा का ऐसे प्रयोग किया गया है, यहाँ भी रा ऊपर जो मात्रा लगा ये ऐसे रा ही माना जाएगा, लेकिन री का मात्रा कहाँ लगा है, नीचे, ये री से ऋषि वाला यहाँ लगा वृष्टि में। ठीक है, तो वृष्टि में री का प्रयोग किया गया है, वा फिर री फिर सा फिर टा फिर ई, यानी अलग अलग विच्छेद किया गया इसका, तो ये बिल्कुल पांच अक्षरों में टूट के अलग अलग हो गया। अब उसके आगे है तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव तत्सम शब्द पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव कौन होगा, तो यहाँ कपूर हो गया तद्भव। पक्ष ये तत्सम है, मयूर भी तत्सम है, मानसिक भी तत्सम है, लेकिन कपूर का तत्सम क्या होगा, कर्पूर, कर्पूर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा प्रयोग किया गया, जहाँ सीधा सीधा लिखा जाए वहाँ तद्भव शब्द होता है। दिए गए विकल्पों में कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कर्पूर होगा, जबकि पक्ष का और छा मिला के का और सा मिला के पक्ष हो गया। मयूर मानसिक या तत्सम शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। अंगरक्षक तो है ही नहीं, दो अक्षर से मिला है, ये पहले का है। अंधकार भी नहीं है क्योंकि चांद बिंदी का प्रयोग किया गया है यहाँ, जहाँ चांद बिंदी का प्रयोग किया जाता है वो उसको आप मान के चलो वो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम है। ठीक है, और ये वाला सा का प्रयोग भी तत्सम में किया जाता है, तद्भव में ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है, कहीं भी जो ये सब ये सा लगा है तो आप तद्भव पर टिक लगा दोगे तुरंत, बिना देखे ये वाला सा जहाँ लगा है वहाँ तद्भव पर टिक लगा के चले आना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ अचरज ये सीधा सीधा लिखा, अचरज कोई मिलावटी शब्द इसमें नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तद्भव शब्द। उसके बाद में आश्चर्य तत्सम, इसका क्या होगा, सॉरी अचरत का तत्सम क्या होगा, आश्चर्य। अंधेरा का तत्सम क्या होगा, अंधकार। अंगरखा का क्या होगा, अब देखो यहाँ अंगरखा, अंगरखा यहाँ चांद बिंदी ऐसे लगाई गई, ठीक है, यहाँ भी है लेकिन इसका कुछ पता नहीं क्या डिफ़ॉल्ट है, बाकी यहाँ चांद बिंदी जहाँ देखो वो आप मान के चलो वो तत्सम शब्द है ज़्यादातर, कहीं कहीं त्रुटियाँ दी गई हैं, वही त्रुटि है ये, बाकी बाकी ऐसे जहाँ चांद बिंदी लगे वो आप मान के चलो तद्भव शब्द है, ऐसे जहाँ लगे वो तत्सम शब्द है, ठीक है। अंगरक्षा तो इसका अंगरक्षक हो गया। आस, यहाँ आस सीधा सीधा आस लिखा है तो इसका हो गया, ये सा जहाँ प्रयोग किया गया वो तत्सम माना जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव यानी जो सीधा सीधा कोई मिलावटी भाषा में ना लिखा हो उसको क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। अब हमने बताया था जहाँ ये सपेरा वाला सा ये प्रयोग किया जाए वो आप मान के चलो तुरंत बिल्कुल टिक मार दो कि ये तद्भव है। अब यहाँ देख लो आप, अड़ा का प्रयोग हुआ, ये सा ई वाला सा है तो ये तत्सम है, यहाँ अड़ा का प्रयोग हुआ ये कंगन कंगड़ अड़ा लिखा ये भी तत्सम है, छा का प्रयोग दो अक्षर से मिला है ये भी तत्सम है, ठीक है। प्यासा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पिपासु पिपासु हो जाएगा, जबकि पाषाण कंगण तथा पक्ष तत्सम शब्द है। आगे है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से सीधे सीधे जो चले आए हैं उनको क्या कहते हैं, संस्कृत, संस्कृत वो संस्कृत से वो सीधे सीधे चले आए हैं और अभी भी वैसे प्रयोग किए जा रहे हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द, उनमें कोई घोल मिलाव नहीं किया गया है उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के शब्द, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को, शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द ग्रा रा लगा आई इसमें आ, ये हो गया तत्सम। श्रु ये भी हो गया तत्सम, ये रा ऊपर चढ़ा है, ठीक है तो सा यूं सही है लेकिन रा ऊपर चढ़ा ये तत्सम हो गया, लेकिन माथा इसमें कोई भी मेल फेल नहीं, सीधा साफ लिखा है, कोई मात्रा सत्रा कोई सिस्टम इसका नहीं है, तो माथा क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया, माथा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होगा, मस्तक, यहाँ आधा सा का प्रयोग हुआ होगा यानी छोटे सा का प्रयोग होगा, ठीक है, आधा सा है तो छोटा सा माना जाएगा, ठीक है, तो मस्तक हो गया तत्सम। ग्राम अश्रु सूर्य तत्सम शब्द है जिनका तद्भव क्रमशः क्या होगा, गांव, आंसू और सूरज। देखो चांद बिंदी का प्रयोग हुआ, जहाँ चांद बिंदी का प्रयोग हो वो मान लो आप तद्भव शब्द है बिल्कुल 100%, ठीक है, कहीं कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट भी है लेकिन ज़्यादातर जो चांद बिंदी का प्रयोग हुआ, चांद बना के ऊपर जो रखा गया वो आप तद्भव शब्द मान लो, ठीक है। सूरज, सूरज सूरज लिखा है रा जो सीधा सीधा लिखा है, और वहाँ सूर्य लिखा था यानी ऊपर रा चढ़ा था या ऐसे था, तो ये तत्सम शब्द हो गया। आगे है, तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव किससे बने हैं, तो हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशी शब्दों से बने हैं, उर्दू शब्दों के बदलाव से बने हुए हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव किया गया है उसे क्या कहते हैं, हम तद्भव शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं।
तद्भव यानी तत्भव शब्द का अर्थ है उसमें होना, तद्भव यानी उसका अर्थ क्या है उसमें होना यानी कुछ बदलाव होना, अर्थात संस्कृत में विकृत यानी परिवर्तित होकर बने शब्द को क्या कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम को क्या कहते हैं तत्सम यानी उसी के समान यानी संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो डायरेक्ट ले लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, और जो कुछ बदल चेंज किया गया है उसे तद्भव कहते हैं, ऐसे आप ध्यान रख लो, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। शहर, तद्भव पूछा गया यहाँ, ठीक है, शहर ये होगा नहीं क्योंकि ये वाला शहर होता तो मान सकते थे, हाँ भी लगा ये भी नहीं होगा, ठीक है। गांव, ये तुरंत इस पर हम टिक मार देंगे, तद्भव यही हो गया, ठीक है, क्या हो गया तद्भव दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, ठीक है। सड़क, रड़ा है इसमें नहीं मानेंगे ये भी। खेत और क्षेत्र ये भी है लेकिन शुद्ध रूप सही तद्भव यही है, ठीक है। गांव, इनमें चांद बिंदी देखा ऊपर हमने टिक मार दिया। चलो, दिए गए विकल्प में ग्राम का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव, सॉरी ग्राम का खाली पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ग्राम, सॉरी ग्राम का पूछा गया तो ग्राम का गांव ही होगा, ठीक है। तद्भव ये तत्सम शब्द लिखा है, ग्राम रा लगा है इसमें, ठीक है। खेत भी तद्भव ही शब्द है, इसका हो जाएगा क्षेत्र, तत्सम शब्द क्या होगा क्षेत्र। उसके बाद में तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम, अब तत्सम पहचानना है, आँख बंद करो और टिक मार दो, किस पर मारेंगे हम निद्रा पर, कैसे, इसमें रा लगा है बीच में और तत्सम में ये होता है सीधा सीधा लिखा जाता है, कोई मतलब कोई आधा नहीं लगता है, पूरा उसे तद्भव में पूरा पूरा लिखा जाता है। अचरज, और उसका हो जाएगा अचरज का आश्चर्य, तद्भव में मतलब परिवर्तित कर दिया जाता है और तत्सम में वैसे के वैसे। तो नींद, नींद का तद्भव क्या हो जाएगा निद्रा, रा लग गया। मोर का मयूर हो गया, मोर का तत्सम क्या हो गया मयूर। कान का तत्सम क्या हो गया कर्ण। बंदर का हो गया बानर, बंदर और बानर, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या था यहाँ निद्रा, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। अब तद्भव रूप हमें पूछ देखना है, तद्भव रूप तो तद्भव यहाँ लिखा है ये वाला, ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा मयूर, ठीक है, और ये सब तत्सम शब्द हैं, सॉरी मक्षिका का पूछा गया है, सॉरी ये स्पेशल शब्द दिया गया, इसका मक्षिका का तद्भव पूछा गया है, तो मक्षिका का क्या हो जाएगा मक्खी हो जाएगा, ठीक है, मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा मक्खी। आप क्वेश्चन को सही से एक बार देखें उसके बाद में आंसर देने का प्रयास करें। अब मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी है, अन्य शब्दों के तद्भव वो सॉरी अन्य शब्दों के तत्सम रूप निम्नवत है, मोर का मयूर हो जाएगा तत्सम, भंवरा का भ्रमर हो जाएगा तत्सम, मेढक का मंडूक हो जाएगा। आगे है, चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा, चतुष्पदी यानी चार पद जिसमें हों उसे क्या कहते हैं, जिसमें चार पद हों उसे क्या कहते हैं चौपाई, चतुष्पदी, चतुष्पदी का तत्सम रूप चौपाई है, अन्य सभी विकल्प तर्कपूर्ण नहीं है यानी गलत लिखे हुए हैं, खाली चौपाई से चौपाई चतुष्पदी का तद्भव क्या है चौपाई। आगे है, जालक का तद्भव, जालक, जालक का तद्भव क्या हो जाएगा झरोखा, जालक यानी जाली जैसे कहते हैं जाली, ठीक है, ठीक है, उसका उस चेंज तद्भव क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में झरोखा शब्द जालक का तद्भव रूप है। तद्भव यानी तत्भव यानी
शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी संस्कृत शब्दों से विकृत, संस्कृत से विकृत यानी परिवर्तित होकर बने शब्द, बने शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी धीरे धीरे उन्हें चेंजिंग किया गया, धीरे कोई अच्छा चेंज किया गया, धीरे धीरे संस्कृत निकले तो संस्कृत से, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज करते 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 वो तद्भव हो गए। उस जो चेंज हो गया उसे ही हम तद्भव कर दिए कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, इसमें पूछा गया तत्सम कौन नहीं है, ये भी तत्सम है, ये भी है, ये भी है, ये सिंगार नहीं है, दधि ये तत्सम शब्द है लेकिन ये नहीं है, सिंगार सीधा लिखा सिंगार, ऐसे लिखा जाता श्रृंगार तो ये तत्सम मानते इसे, ठीक है, लेकिन सिंगार लिखा है, सिंगार, सिंगार का तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम रूप श्रृंगार होगा, से सभी तत्सम शब्द हैं। आगे संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वह शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता क्या कहलाता है, वो कहलाता है तत्सम, यानी वैसे जैसे संस्कृत से आए हैं वैसे ही उनका प्रयोग किया जा रहा है अभी भी, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होता वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, और परिवर्तित रूप के बाद तद्भव वो कहलाते हैं, जब चेंज हो जाता है उसका नाम तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, दधि, ये हो गया दधि का मतलब हो गया तत्सम, और दही का मतलब हो गया तद्भव, फिर उरुष्ट का हो गया तत्सम, ऊंट का क्या हो गया तद्भव, लेकिन नज़र और आँख, नज़र यानी किसी चीज़ को देखना और आँख एक मतलब किसी अंग की बात की गई, शरीर के किसी अंग की बात की, और नज़र यानी किसी को देखना ये अलग चीज़ है, तो इसका ये तत्सम नहीं, यही वाला गलत है, बाकी इसका श्रृंगार या तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, बाकी सबका तत्सम और तद्भव लिखा हुआ, इसका नहीं लिखा है, ठीक है, इसका सही होगा आँख का अक्ष हो जाएगा, आँख का अक्ष होगा। आगे है धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, धुरी का मानक शब्द धूल होता है, बोलते नहीं धूल उड़ रही है, गांव में कहते हैं धूल उड़ रही है, धूल नहीं कहते, धूल उड़ रही है, ठीक है, तो इसका मानक शब्द क्या होगा, धूल होगा, क्या होगा, धूल होगा। आगे है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ, ज्येष्ठ तत्सम शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, ठीक है, ना कि देवर होगा ना कि पुत्र होगा, बड़ा कौन होगा, जो बड़ा होगा उसे ही ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है, यानी तद्भव इसका क्या होगा, बड़ा, ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, बड़ा। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बड़ा होगा, परंतु ज्येष्ठ का समयक तद्भव शब्द जेठ वैसे लिखा जाए, मतलब इसका ज्येष्ठ का मतलब यही होता है बड़ा, लेकिन तद्भव पढ़ने लिखने में जेठ लिखा जाएगा, ठीक है। देवर का तत्सम दिवर, दिवर तथा छोटा का तत्सम, छोटा का तत्सम रूप क्या होता है, कनिष्ठ होगा। आगे है किंचित, किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए, किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, किंचित यानी कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ, परंतु लेकिन थोड़ा यानी कुछ, किंचित का हो जाएगा कुछ, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव कुछ होता है, थोड़ा तद्भव, तद्भव है, थोड़ा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा सतोक, सतोक, थोड़ा का तत्सम क्या होगा, सतोक। अब आ गया पर्यायवाची, हिंदी में पार्ट नंबर 3 है पर्यायवाची, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं,
ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द, जो समान मतलब उसी के समान अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची। समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन दृष्ट, लोचन, दृघ, अक्ष आदि हैं। इसका विलोम का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। जैसे रात का दिन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक और संख्या, गोद अंक संख्या, गोद नाटक का अंक। अंक का मतलब हो गया एक संख्या हो गया, और गोद और एक नाटक का अंक हो गया, उसे भी अंक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत यानी बिल्कुल निश्चित कहते हैं, नियत नियत होना चाहिए। नियत शब्द का सामयिक विकल्प निश्चित होता है, नियत है। ठीक है, नियत शब्द का सामयिक विकल्प निश्चित है, शेष विकल्प नियत के संदर्भ में असंगत है। नियत है मतलब उसका बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी, सखा का क्या हो जाएगा? मित्र। सखा, श्री कृष्ण के सखा कौन थे? सुदामा जी थे। आगे है, सखा का समानार्थी शब्द मित्र होता है, शेष तीनों विकल्प सखा से असंगत हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? वारी, वात, तोय, सलिल, ये सब वारी, तोय, सलिल, ये सब क्या हैं? ये हवा का पर्याय है, लेकिन सॉरी, ये सब जल के पर्याय हैं। ठीक है, तोय, सलिल और वारी क्या है? जल के पर्याय। और वात क्या है? हवा का पर्याय है, हवा का पर्यायवाची है। तो यहाँ वात जो है वो अलग है, इन तीनों अक्षरों से वात अलग है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, दुविधा, दुविधा का हो गया आएगा धर्म संकट, यथा तथ्य, कोई मतलब नहीं होगा इसका दुविधा। ठीक है, दुविधा का मतलब जहाँ कोई संकट हो, विस्तृत यानी बड़ा, होना मतलब अच्छा, तो यहाँ दुविधा से मिलता जुलता यही है धर्म संकट। दिए गए विकल्प में धर्म संकट दुविधा का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है, बाकी और कोई इससे नहीं मिल रहा है, इसका पर्यायवाची नहीं दिया है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पाषाण, पत्थर का पाषाण हो जाएगा, ना कि गिर, निर्भय, नवचर्य, कोई भी नहीं होगा, पाषाण हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन है एक, उपयोगी उपादेय इष्टकार, काक, सारंग और मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मई, धरा। आंसर है, दिए गए विकल्पों में से काक का समानार्थी जोड़ा, काक का समानार्थी क्या होता है? जोड़ा, अनुपयुक्त है, क्योंकि काक के समानार्थी शब्द काग, कार्ड, वायस, पिसुन तथा करट हैं। शेष समानार्थी जोड़े उपयुक्त हैं, यानी ये तीनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये कौवा का है, बाकी और तीनों ऑप्शन समानार्थी हैं, बाकी ये विकल्प अनुपयुक्त है, नहीं है मतलब अलग है, बाकी सबका पर्यायवाची लिखा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। आगे है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो तमस मतलब होता है अंधकार, तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तमस का समानार्थी शब्द अंधकार है। तमस के अन्य समानार्थी शब्द तमिषा, ध्वांत, अंधेरा आदि है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? चतुर, चतुर मतलब चतुर जो होगा वो फुर्तीला होगा, तीव्र बुद्धि होगा,
और हाजिर जवाब, जो चतुर होगा वो हाजिर जवाब करेगा, ठीक है, लेकिन खुदगर्ज इंसान वो चतुर नहीं होगा, ये उसका चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द खुदगर्ज नहीं है, चतुर के समानार्थी शब्द हैं प्रवीण, पट, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। उसके बाद में देवता का शब्द, देव सॉरी देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें सुर भी है देवता का, अमर भी है, देव भी है, सुधाकर नहीं है। सुधाकर किसका है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, सुधाकर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, तो ये सोम, सुधांशु, राकापत, द्विराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक आदि। उसके अंदर देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, देव, सुर, आदित्य, निर्जर, त्रिदर्श आदि हैं। आगे है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रेखांकित, अब रेखांकित कौन सा, ये पक्षी, तो इसमें यानी पक्षी का पर्यायवाची हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो अंडज है, ये भी पक्षी का पर्यायवाची होगा, खग भी होगा, नभचर भी होगा, और पंकज नहीं, पंकज किसका होता है, पंकज कमल का होता है, किसका, कमल का पर्यायवाची होता है। पक्षी के पर्याय अंडज, खग, नभचर, बिहंग, परिंदा है, जबकि पंकज कमल का पर्यायवाची है। आगे है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है, नारी, महिला, औरत ये भी सही है, पहाड़, पर्वत और पुस्तक, पहाड़ पर्वत तो एक जैसे हैं लेकिन पुस्तक यहाँ अलग है, ये यही वाला नहीं मिल रहा है, इस समूह से नहीं मिल रहा है। बाकी आग, अग्नि और अनल ये भी एक समूह बनाता है, मतलब इसका पर्यायवाची समूह है, ये भी पर्यायवाची समूह है, ये भी है, लेकिन ये पहाड़ पर्वत और पुस्तक नहीं है। आगे है, पहाड़ पर्वत पुस्तक समूह सही नहीं है, अन्य सभी समूह सही हैं क्योंकि ये किसी विशेष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत, गिरी, महीधर, तुंग, गिरी, भूधर तथा पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं, तथा पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं किताब, पोथी और ग्रंथ। पर्वत का कौन कौन सा है, पहाड़ का क्या क्या है, पर्वत, गिरी, महीधर, तुंग और गिरी, भूधर तथा पुस्तक के कौन सा है, पुस्तक का पर्यायवाची कौन है, किताब, पोथी और ग्रंथ। आगे क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होगा, स्त्री होगा, बिजली होगा, चंद्रमा होगा या गंगा होगा, तो इसका क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होगा, बिजली होगा, क्षण प्रभा यानी बिल्कुल एक क्षण में आ जाए तुरंत बिजली, ठीक है, क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है, क्षण प्रभा किसका, बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। उसके बाद में विघ्न का समानार्थी शब्द है, विघ्न का समानार्थी क्या है, तो विघ्न यानी, विघ्न का समानार्थी क्या है, शब्द है अंतराय, विघ्न का समानार्थी शब्द है अंतराय, अतः यह सही विकल्प है। उसके बाद में इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, वायु का समानार्थी है समीर है, अनिल है, मारुत है, लेकिन समर नहीं है, वायु का समानार्थी समर नहीं है, शेष सभी वायु, शेष सभी शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। समर का आशय है युद्ध, समर का मतलब होता है युद्ध, समर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं युद्ध, रण, जंग। वायु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वात, हवा, पवन और आदि। इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है, चंद्रमा का समानार्थी कौन सा है, तो इंदु है, चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु है। अंशु और रश्मि किरण के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, सुधांशु, द्विराज, विधु, मयंक, मृगांक, हिमकर, राकेश आदि हैं। निम्न में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची है, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची है, वनिता, कामिनी, विनीता, रमणी, सॉरी
निम्न में से कौन सा नारी का नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, तो विनीता नहीं है, बाकी नारी शब्द वनिता, कामनी और रमणी ये सब नारी का पर्यायवाची है। विनीता नारी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वनिता, कामनी तथा रमणी नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। नारी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री, महिला, ललना, वामा, औरत आदि। आगे दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा, सुधा का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। सुधा का समानार्थी शब्द अमृत है। नीर शब्द जल का पर्याय है। अमृत के अन्य पर्याय शब्द हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग आदि। क्या है? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? स्वागत करना, आसन, जाना, छानबीन। अवगाहन मतलब अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द है छानबीन होता है। अवगाहन मतलब छानबीन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ। आसन का अर्थ है बैठने का स्थान। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, मधुकरी, श्यामा, कोयल। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मधुकरी कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। मधुकरी यानी भिछाटन कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द पिक, कोकिल तथा श्यामा कोयल के समानार्थी शब्द हैं। कोयल के अन्य समानार्थी शब्द वसंत दूत, परभृत, परभृत, मदन सलाका, कल घोष आदि हैं। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण का, अर्जुन का, राम, भीम का या राम का? तो सौमित्र यानी सुमित्रा का पुत्र। सौमित्र का आशय क्या है? सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। भीम के पर्यायवाची शब्द हैं सुमित्रा पुत्र, और भीम का पर्यायवाची कौन है? भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, सब्यसाची। राम का पर्यायवाची शब्द है राघव, रघुवीर, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन, पुरुषोत्तम। आगे है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, यानी जो गलत है इसमें। गलत कौन सा हमें दिख रहा है? तो बादल और नीर, यही गलत दिख रहा है। बादल और नीर गलत दिख रहा है, ठीक है, ये समानार्थी शब्द नहीं है। केस और बाल ये सही है, केला और कदली ये भी सही है, द्रव्य और वित्त ये भी सही है। दिए गए शब्दों में अनुपयुक्त जोड़ा बादल और नीर है। शेष तीनों जोड़े सही समानार्थी हैं। बादल का समानार्थी शब्द नीरद होता है तथा नीर का जल का पर्याय है। बादल का समानार्थी क्या होगा? नीरद। नीर किसका है? जल का पर्याय है। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? घर का हो जाएगा आलय। घर का पर्यायवाची शब्द आलय होगा। शेष शब्द उरग, अनल, वात के पर्यायवाची शब्द क्रमशः हैं सर्प, उरग मतलब सर्प, अनल का अग्नि होगा, वात का हवा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि, चांद, विधु या सुत, कौन सा है? तो सुत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्प के अनुसार सुत शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुत का अर्थ है सारथी। सुत का अर्थ क्या होता है? सारथी होता है। शेष शब्द विधु, शशि, चांद, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे है 62 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो इसमें बागीश्वरी दिया है, उसके बाद में शारदा है, सुधि है, वाणी है, ठीक है। तो सुधि जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। शुद्ध सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शेष शब्द सरस्वती के पर्याय हैं। शुद्ध पंडित का पर्यायवाची शब्द है। पंडित के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? शुद्ध विद्वान, कोविद,
बुद्ध, धीर, विज्ञ और विलक्षण। उसके बाद में है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? तो यहाँ ये रिप जो होगा ये समानार्थी नहीं है रक्त का। बाकी लहू, शोणित और रुधिर ये तीनों खून के पर्यायवाची हैं। बाकी रिप राजा का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों के अनुसार रिप रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं प्रकट करता। शेष शब्द रक्त के समानार्थी हैं जैसे लहू, रुधिर, शोणित। रिप के अन्य समानार्थी, सॉरी रिप बैरी का होगा, सॉरी रिप के अन्य पर्याय समानार्थी शब्द हैं बैरी, दुश्मन, अरी, अमित आदि। उसके बाद में समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तरंगिनी, तटिनी, कलंदिनी, कालंदी, अम्बुद, कालंदी, सूर्यसुता, कलंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कृष्णा, सूर्यसुता और तटिनी। दिए गए विकल्पों में के आधार पर यमुना का समानार्थी शब्द समूह कालंदी, कृष्णा, सूर्यसुता है। तारंगिनी तथा तटिनी नदी के पर्याय हैं और कालंदी यमुना का पर्याय है। अम्बुद बादल का पर्याय है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है जो कि यमुना का पर्यायवाची है, कालंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। उसके बाद में ब्रजभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ब्रजभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, यानी राधा का। ब्रजभानुजा यानी ब्रजभानु की लड़की थी राधा। ब्रजभानुजा शब्द राधा का समानार्थी शब्द है। राधा, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ब्रजभानुजा आदि। सीता, सीता का पर्यायवाची जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनकतने आदि। पार्वती का गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी आदि। उसके बाद है तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग तरंग का समानार्थी शब्द उर्मी होता है। तुरंग तुरंग का समानार्थी शब्द घोड़ा तथा केकी का समानार्थी शब्द कोयल है। अटवी का समानार्थी शब्द कानन, जंगल, विपिन, कंतार, अरण्य है। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना, आंगन, पल्लू, गांव या स्त्री। स्त्री हो जाएगा अंगना का समानार्थी। अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री होता है। शेष तीनों विकल्प अंगना शब्द से संगत नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, वामा, प्रमदा। उसके बाद में है 68 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष यानी साक्षात, ठीक है। तो साक्षात कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है। इसका समानार्थी प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या हो जाएगा? साक्षात। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द साक्षात होता है, जबकि नक्षत्र का पर्याय तारा, उड़ या नखत आदि है। उसके बाद में है सतर्कता। सतर्कता का समानार्थी शब्द सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता, उचित, मुस्तैदी या समझदारी। सतर्कता सतर्कता का समानार्थी शब्द हो जाएगा मुस्तैदी। आगे मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मखाना। मखाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा ताल मखाना। मखाना का समानार्थी शब्द ताल मखाना होगा, ना कि मिश्रानी, सरगमी, मुसल खाना, कोई नहीं होगा, ताल मखाना होगा। ये यूपीएसआई 2017 में आया है 20 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन सब क्वेश्चन ही आए हुए हैं उत्तर प्रदेश
एसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई और कांस्टेबल में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। आप सही से इसको एक दो बार सही से देखिएगा वीडियो, उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, सौभाग्य, प्रभावी, सम्मान या धन्य। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, आदर किया जाए जहाँ, प्रतिष्ठा का अर्थ सम्मान होता है। प्रतिष्ठा का पर्यायवाची प्रसिद्ध, विख्यात, विच्युत, नामवर, नामी, प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा, दिलचस्प हो जाएगा, दिलचस्प, दास्ता, सुहावना या रोचक। तो मनोहर का हो जाएगा सुहावना, मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा, सुहावना। अन्य विकल्प असंगत हैं, यानी अन्य जो विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ये इससे मेल नहीं खाते हैं। मनोहर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनोरम, रम्य, रुचिर, रमणीय, चारु, ललित, ललाम और कलित। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द हार होता है। पराजय या माला का समानार्थी यानी हार, ठीक है, एक हार मतलब होता है पहनाने वाला और एक पराजय मतलब हार, जो हार, जीत, हार होता है, ठीक है। पराजय के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मात, प्रदा, भव और शिक्षत। उसके बाद है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है, तो मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है, सम्मत, सम्मत होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं, यानी मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सम्मत। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी, उत्कंठा का समानार्थी क्या होगा, तो उत्सुकता या अभिलाषा हो जाएगा, ना कि कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, ये नहीं होगा, ठीक है। उत्सुकता, उत्कंठा यानी कोई चीज़ उत्साहित होना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उत्कंठा, किसी चीज़ को करने की इच्छा, उत्कंठा। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द उत्सुकता व अभिलाषा है, जबकि कौतूहल, कौतुक, आश्चर्य के तथा हर्ष, प्रमोद, आनंद के समानार्थी हैं। आगे है, नृप, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, नृप मतलब होता है राजा, क्या होता है, राजा। प्रश्नगत विकल्पों में से नृप के समानार्थी शब्द भूप, महीप है, भूप, महीप है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नृप, नरेश, भूपत, महीपत आदि। उसके बाद में आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, बादल, मेघ, वायु, समीर, ये गलत है। युद्ध, रण, संग्राम, समर, ये सही है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सही है। मत्स्य, मछली, मीन, मकर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये बादल दिया गया है, यह मेघ दिया गया, फिर यहाँ वायु, हवा के बारे में कहा गया, ये मेल नहीं खाता। दिए गए विकल्पों में से बादल, मेघ, वायु पर्यायवाची समूह की दृष्टि से गलत है। बादल और मेघ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु वायु, समीर, हवा के पर्यायवाची हैं। शेष सभी विकल्प पर्यायवाची समूह की दृष्टि से संगत हैं। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, देखते ही टिक मारो फट से। तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वाजी, घोटक, अश्व, है, बिजली, सॉरी, तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची हैं शब्द हैं वाजी, घोटक, अश्व और है। बिजली के पर्यायवाची क्या है, दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, ताड़ित, सौदामिनी, धनवल्ली आदि। सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं नदी, तटनी, तरंगणी, वाहिनी, निम्नगा आदि। लहर का पर्यायवाची है तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी, बीची, हिल्लोल आदि।
आगे है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अब यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है, कुछ लोग लगा देंगे जल का नीर पर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पूछा गया नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से फिर आंसर देने की चेष्टा करो। नल जल का समानार्थी ना होकर जल का स्रोत है, नल जल का समानार्थी ना होकर जल का स्रोत है। शेष शब्द नीर अम्बु पानी जल के समानार्थी हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वारी तोय सलिल उदक आदि। आगे दिया गया है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, हाथी का कौन सा नहीं है। तो हाथी का दंती करी और हस्ती, ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं यानी समानार्थी शब्द हैं। हस्त नहीं है, हस्त किसका है, हाथ का, हाथ का, हाथ का पर्यायवाची क्या है, हस्त। इनमें से हस्त हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष शब्द कर दंती तथा हस्ती हाथी के पर्यायवाची हैं, जबकि हस्त हाथ का पर्यायवाची है। हाथ के अन्य पर्यायवाची कर पाणी आदि हैं। उसके बाद में अभिभाव, आविर्भाव का समानार्थी क्या है, विश्लेषण अवतरण रूपगत या संप्रदाय। आविर्भाव का समानार्थी शब्द हो जाएगा अवतरण, आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होगा। आगे है इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है, योगदान का समानार्थी नहीं है पूछा गया। तो योगदान का समानार्थी हाथ बटाना सहयोग हित, ये योगदान का समानार्थी हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया। तो योग दीक्षा ये समानार्थी नहीं है, योग दीक्षा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। सहयोग हाथ बटाना हित योगदान के समानार्थी हैं, लेकिन योग दीक्षा इसका समानार्थी यानी इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है, नाव, नाव का समानार्थी शब्द नहीं पूछा गया। नाव का डोंगी तरी ये सब क्या है, नाव के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरुणी ये नाव का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में नाव का समानार्थी शब्द तरुणी नहीं होगा। नाव के समानार्थी शब्द हैं नौका डोंगी तरी तरणी जलयान आदि। तरुणी के समानार्थी शब्द कौन है, युवती यौनवती रमणी नवयुवती आदि। आगे है चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, चांदनी का बिजली चमक ज्योत्सना रोशनी। तो इसमें बिजली हो जो होगा वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रस्तुत शब्दों में ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होगा, कौमुदी जाह्नवी अजोरिया और चांदनी के अन्य पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बिजली चांदनी का समानार्थी नहीं है, नहीं ही पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो इसमें बिजली जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है, बादल, अम्बुद जलज नीरज ये सब समानार्थी शब्द हैं, लेकिन अम्बुद किसका है, बादल का है, ये सब किसका है, कमल का। अम्बुज जलज नीरज ये सब कमल का पर्यायवाची है, कमल ओ सॉरी बादल का समानार्थी शब्द अम्बुद है, अम्बुज जलज तथा नीरज कमल के पर्यायवाची हैं। विकल्प डी सम्यक उत्तर है, इसका उत्तर बादल का कौन सा है, अम्बुद, यानी ऑप्शन नंबर डी। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, नवनीत, नवनीत शब्द का, नवनीत का समानार्थी शब्द ताजा मक्खन होगा, ताजा मक्खन होगा। मक्खन के अन्य अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे दधिसार माखन इत्यादि। उसके बाद में निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, दांत दंत और रदन ये सही है, झंडा ध्वज पताका ये भी सही है, कमल अंबु और आब ये नहीं सही है, चांद राकेश और शशि ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं लेकिन कमल अंबु और आब ये नहीं सही है, ये गलत है। दिए गए जोड़ों में कमल अंबु आब सही जोड़ा नहीं है, कमल अंबुज अरविंद सही पर्यायवाची जोड़ा है,
तथा अंबु और आब पानी के पर्यायवाची हैं। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल का समानार्थी शब्द कली होता है। क्या होता है? कली। शेष तीनों शब्द असंगत हैं। कली के अन्य पर्यायवाची शब्द कोपल, कलिका, जालक, कोरक, ताम्रपल्लव इत्यादि हैं। मुकुल का पर्याय समानार्थी यानी पर्यायवाची क्या होगा? कली। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया। तो काया का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? गात। काया का समानार्थी शब्द गात है। काया के अन्य समानार्थी शब्द हैं शरीर, देह, तन, बदन, वपु आदि हैं। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी? कोप मतलब क्रोधित होना, ठीक है। तो ये डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कोप और रोष किस शब्द का पर्यायवाची है? तो क्रोध का, ठीक है। क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं कोप, गुस्सा, अमर्ष, रिस आदि। हर्ष का पर्यायवाची है आनंद, प्रसन्नता, खुशी और आमोद, आमोद, आह्लाद आदि। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेह। तो ये हो जाएगा सदन, भवन और निकेतन। ये हो जाएगा गेह का पर्यायवाची यानी घर का पर्यायवाची गेह। गेह के समानार्थी शब्द हैं सदन, भवन, निकेतन। घर का, घर, गृह, मकान, आवास आदि हैं, ठीक है। उसके बाद में अंधेरा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तम, तमस, तिमिर और ध्वांत। सोना का कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण। उसके बाद में समिति, समिति का हो जाएगा सभा, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था और मंडली। आगे है आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद, आमोद मतलब खुशी होना यानी हर्ष। आमोद का समानार्थी शब्द क्या है? हर्ष। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता, नम्रता किस, अभ्रता होगा, अभद्रता होगा, साधारण होगा, विनीत होगा या मुलायम होगा। तो यहाँ नम्रता यानी विनम्रता, ये विनीत, नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होगा? विनीत। आगे है दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा? फितरत, फितरत का समानार्थी शब्द स्वभाव, क्या होगा? स्वभाव। आगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये अतुल का पर्यायवाची होगा अनुपम, अनोखा, अपूर्व। लेकिन अनल किसका है? अनल है आग का, आग का पर्यायवाची अनल। अतुल का समानार्थी शब्द ना होकर अग्नि का समानार्थी है। आगे है दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चीर, चीर मतलब वस्त्र, ठीक है। चीर का समानार्थी शब्द क्या है? वस्त्र। चीर के अन्य समानार्थी शब्द पट, वसन, अंबर आदि हैं। उसके बाद में चीर, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का समानार्थी शब्द क्या है? तो ये अरण्य हो जाएगा, जंगल का अरण्य। जंगल का समानार्थी शब्द अरण्य होता है। जंगल के अन्य समानार्थी शब्द हैं विपिन, कानन, अटवी, कंतार, वन आदि। उसके बाद में सुयस का पर्यायवाची शब्द, सुयस, सुयस का पर्याय क्या होगा? तो उत्पात होगा, सृजन होगा, दिक होगा या सुकृति। सुयस का हो जाएगा सुकृति। उत्पात का पर्याय क्या होगा? खुराफात, खुराफात। उपद्रव का सराप, सॉरी, उत्पात का हो जाएगा खुराफत, उपद्रव, शरारत और नटखट। आगे है वसुधा शब्द का अर्थ बताइए, यानी वसुधा का पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताइए। तो वसुधा का हो जाएगा सुधा होगा, चंद्रमा होगा या प्रकृति होगा या धरती होगा। कौन सा होगा? तो वसुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा धरती। वसुधा के अन्य समानार्थी शब्द हैं भू, अचला, मेदिनी, मही, धरणी और आदि। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु मतलब छोटा, यानी ये सही है। दिए गए विकल्पों में से लघु का समानार्थी शब्द क्या होगा? छोटा होगा। लघु के अन्य पर्याय होंगे न्यून, थोड़ा, हल्का। आगे दिया है
दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द होगा, केहरी मतलब केसरी यानी शेर, सिंह। केहरी शब्द का आशय है सिंह, जिसका समानार्थी शब्द केसरी शेर होता है, जबकि मतंग हाथी का, कपि बंदर का तथा हरिण हिरण का समानार्थी शब्द है। आगे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी मतलब सभा, गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होगा। काया तथा कलेवर शरीर के समानार्थी शब्द हैं। आगे है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य, अरण्य मतलब जंगल यानी कानन, कानन हो जाएगा। अरण्य का समानार्थी शब्द कानन यानी वन होगा। पावक अग्नि तथा सदन का होगा, सदन घर का समानार्थी शब्द है। उसके बाद में है, दिए गए विकल्पों में से सॉरी दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया, भनभनाहट, प्रत्युत्तर, बदसूरत, यथा नियम। प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया देना यानी प्रत्युत्तर देना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया शब्द का सही पर्यायवाची प्रत्युत्तर होगा, क्या होगा? प्रत्युत्तर। आगे है, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाल, ऑप्शन नंबर बी मस्तक। भाल शब्द का समानार्थी मस्तक होता है। भाल के अन्य पर्याय हैं ललाट, कपाल, माथा, पेशानी। आगे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रसन्न होना, अभिवादन, व्याकुल होना, संवरना, यानी अकुलाना यानी व्याकुल होना का समानार्थी शब्द है। अकुलाना समानार्थी शब्द, व्याकुल होना, शेष तीनों असंगत हैं। उसके बाद में विचित्र के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं। विचित्र के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी समानार्थी नहीं है। विचित्र का समानार्थी नहीं है। तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं यानी तीन जो हैं विचित्र के समानार्थी हैं, लेकिन एक जो है वो इसका समानार्थी मतलब यानी पर्यायवाची नहीं है। वही जो नहीं है उसी को ढूंढना है। अनूठा, विलक्षण, भिन्न, रहस्यमय। रहस्यमय इसका नहीं है। रहस्यमय विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द विलक्षण, अनूठा तथा भिन्न विचित्र के समानार्थी हैं। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो किशोर का हो जाएगा कोलाहल या पारिवारिक या समझदार, तो किशोर का हो जाएगा अपने हिसाब से तरुण। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। किशोर के अन्य पर्याय सब पर्याय हैं युवा, युवक, जवान, नवयुवक और नौजवान। आगे है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटिनी, सरिता, नद और ऊषा। ऊषा नहीं है, बाकी तीनों कौन क्या हैं ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऊषा नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में से ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है। बलिक ऊषा मतलब होता है सुबह का टाइम, भोर यानी लाल सूर्य के उदय के समय ऊषा काल कहा जाता है। शेष सभी विकल्प तटिनी, नद, सरिता, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है, उच्च श्रृंखल के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। उद्दंड, अक्कड़, निरंकुश, भुक्कड़। उस श्रृंखल का भुक्कड़ नहीं होगा, बाकी तीनों समानार्थी हैं। उस श्रृंखल का समानार्थी भुक्कड़ नहीं होगा, शेष तीनों उस श्रृंखल के समानार्थी शब्द हैं, निरंकुश, उद्दंड और अक्कड़। विप्र, विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र का समानार्थी क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, ठीक है, क्या होगा? ब्राह्मण। विप्र के समानार्थी शब्द हैं ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज आदि। विधाता पर्याय का, विधाता ब्रह्मा का पर्याय है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू, विरंच, अस्त्रष्टा, प्रजापति, लोकेश इत्यादि याचक के पर्यायवाची शब्द हैं। या इत्यादि याचक के पर्यायवाची हैं भिक्षुक,
भिखारी, भिकमंगा। यानी विप्र के समानार्थी शब्द ब्राह्मण हैं, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, महिषुर द्विज आदि हैं। पिधाता ब्रह्मा का पर्याय है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू, विरंच, अस्त्रस्पष्टा, प्रजापति, लोकेश इत्यादि। याचक के पर्यायवाची शब्द हैं भिक्षुक, भिखारी और भिकमंगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ाग, सतदल, सर या जलाशय। सतदल जो है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों सरोवर के पर्यायवाची हैं। सरोवर का पर्यायवाची सतदल नहीं है, सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं तालाब, तड़ाग, सर, ताल, पुष्कर आदि। सतदल का पर्यायवाची कमल होता है। उसके बाद लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुमित्रा पुत्र। बाकी ये अलग है, नहीं है। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द सुमित्रा पुत्र, लंकेश रावण का है, नरेंद्र राजा का है, पर्यायवाची शब्द है। आगे दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्बिश का समानार्थी शब्द पाप होता है। किल्बिश का समानार्थी शब्द क्या होता है? पाप। अन्य समानार्थी शब्द दोष, अपराध, छल, कपट आदि हैं। किल्बिश का समानार्थी क्या होता है? पाप। आगे है दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐषणा, ऐषणा का समानार्थी शब्द अभिलाषा होता है। अभिलाषा के अन्य पर्याय हैं इच्छा, कामना, चाह, चाहत, ईप्सा, इहा और आकांक्षा। आगे है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा मतलब शक्ति। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द शक्ति होता है। ऊर्जा के अन्य समानार्थी शब्द शक्ति, बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता, ताकत इत्यादि आदि हैं। आगे है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर ट्रेन का नाम है, मूषक होता है, नदी का नाम है या सरोवर। तो ये पुष्कर किसको कहते हैं? सरोवर को। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर होता है। पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है। तालाब, सर, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय आदि पुष्कर के अन्य पर्यायवाची हैं। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ होता है पेचीदा होता है। जटिल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कठिन, दुर्बोध, दुरूह इत्यादि। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध। बोध शब्द का समानार्थी होता है अनुभूत। अनुभूत एक मानसिक वृत्ति है। अनुभूत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं एहसास, संवेदना, अनुभव, भाव इत्यादि। आगे है 120 नंबर क्वेश्चन। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नलिन होगा, नौकर होगा, आदेश होगा या दिर होगा। तो सरसिज का पर्यायवाची शब्द नलिन है। नौकर के पर्यायवाची दास, अनुचर, भृत आदि हैं। वही दृघ का पर्यायवाची अक्षी, दृघ मतलब अक्षी, आँख, नयन, आँख इत्यादि हैं। आगे है रतिपति शब्द का समानार्थी पहचानिए। रतिपति, रतिपति का हो जाएगा आपके हिसाब से रतपति। रतपति का समानार्थी शब्द हो जाए पंचसर, जिसका अर्थ कामदेव है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कंदर्प, मदन, अनंग, मन्मथ इत्यादि। अगला है दिए गए विकल्पों में से विपिन, विपिन शब्द का समानार्थी। विपिन मतलब क्या होता है? कानन यानी जंगल। ठीक है, विपिन का मतलब क्या होगा? जंगल। विपिन का समानार्थी शब्द कानन है। अनल हवा का, अनल हवा का पर्यायवाची है। वाजी अश्व का पर्यायवाची है तथा अमि अमृत का समानार्थी है। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो सुधाकर किसका? चांद का। सुधाकर चांद शब्द का
चांद का, सुधाकर शब्द चांद का समानार्थी है। धरती का समानार्थी शब्द धरा, भू, मही, धरणी इत्यादि हैं। हवा का समानार्थी शब्द पवन, वात, अनिल इत्यादि है। रात का समानार्थी शब्द निशा, रैन, रात्रि इत्यादि है। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी शरीर का, जो शरीर का शब्द दिया है ये किससे, मतलब किसका पर्यायवाची, शरीर का पर्यायवाची दिया गया है इसमें तो कौन सा है, तो इसमें शरीर का पर्यायवाची कलेवर हो जाएगा, बिटप होगा नहीं, महिला होगा नहीं, पद्मा होगा नहीं, शरीर का समान सही समानार्थी शब्द कलेवर है। शेष शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं, बिटप का हो जाएगा वृक्ष, पद्म का होगा सरस्वती, महिला का स्त्री हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, वारी, निर्झरड़ी, निर्झरड़ी, सरिता और तटिनी, सरिता, तटिनी और निर्झरड़ी, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन वारी जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का समानार्थी शब्द वारी नहीं है, वारी शब्द पानी का समानार्थी किसका है, पानी का। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, भुजंग मतलब क्या होता है, सांप, ठीक है। भुजंग का समानार्थी शब्द होगा सर्प या नाग। पर्वत का समानार्थी भूधर, शैल, पहाड़, नाग। पर्वत का समानार्थी क्या होगा, भूधर, शैल, पहाड़ या नाग। क्षीर का समानार्थी क्या होगा, दूध, पेय और गोरस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भुजंग का पर्यायवाची होगा। अब आ गया आपका विलोम शब्द। उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है, उत्थान का पतन होगा या उड़ान होगा या अर्धर्व होगा या ध्रुव होगा। उत्थान का क्या होगा, उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा उसका क्या होगा, पतन, ठीक है। शीत का विलोम होगा, शीत मतलब ठंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उष्ण। शीत का उष्ण हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण माने काला, उष्ण माने उजाला सफ़ेद। ठंड मतलब ठंड, ठंड का गर्म हो जाएगा। आगे, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अब अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होगा, सनाथ। ये 2018 में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। अनाथ का सनाथ, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, आहुत का अनाहुत, अमर का मृत। उसके बाद में अग्रज, अग्रज का सही विलोम क्या होता है, अग्रज यानी जो बड़ा है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुज यानी छोटा। अग्रज का अनुज क्या होगा, अनुज। लघु का गुरु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, छोटा बड़ा। सूक्ष्म का स्थूल। आगे, इनमें से सही विलोम शब्द कौन, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आदान का, आदान मतलब देना और प्रदान मतलब, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, जबकि प्राकृतिक का नैसर्गिक का समानार्थी शब्द है। प्राकृतिक और नैसर्गिक ये क्या है, समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द है। नवीन मतलब नया, उसका हो जाएगा पुराना। नया नवीन मतलब नया, और उसका नवीन के हिसाब से देखा जाए तो प्राचीन यानी पुराना, ठीक है। नवीन शब्द का विपरीत शब्द होगा प्राचीन। शेष विकल्पों में नया का विलोम पुराना तथा पुरातन का विलोम अधुनातन हो जाएगा, यानी
शब्द के हिसाब से आपको शब्द चुनना है। अब यहाँ प्राचीन नहीं होता तो हम पुराना पर टिक लगा देते, नवीन का पुराना हो जाता, ठीक है। लेकिन जब आपके ऑप्शन में शब्द हैं उसी के हिसाब से, मतलब उसी भाषा में, तो आप वही शब्द ढूंढ के टिक करोगे आप, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द को क्या होगा? तो विनाश, वो निर्माण मतलब हो जाए बनाना, और विनाश का हो जाएगा तोड़ना, खराब करना, यानी डी नंबर सही है। निर्माण का विरुद्धार्थी होगा विनाश, जोड़ना का विरुद्धार्थी घटाना, बनाना का विरुद्धार्थी बिगाड़ना हो जाएगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्तार यानी लंबे लंबे में लिखा गया है, किसी चीज़ को बहुत लंबा लिखा गया है, तो उसका हो जाएगा संक्षिप्त। विस्तार का विलोम संक्षिप्त होता है। अन्य शब्दों में लघु का विलोम गुरु, लघु का मतलब लघु का हो जाएगा गुरु, दीर्घ का महत, दीर्घ या महत, दीर्घ महत, लघु का विलोम गुरु दीर्घ या महत, तथा छोटा का विलोम बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ, स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? निस्वार्थ, स्वार्थ का विपरीत क्या होगा? निस्वार्थ। दिए गए विकल्पों में निस्वार्थ शब्द शब्द का सम्यक विपरीतार्थक शब्द है। आगे है, दिए गए विकल्पों में अवनि का विलोम क्या होगा? अवन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवन का विलोम शब्द होगा अंबर होता है। अवन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अध हो जाएगा। ऊर्ध्व शब्द का विलोम शब्द अध है। शेष शब्दों के विलोम है अंत का आध, शाश्वत का क्षणिक, ठीक है। ऊर्ध्व का अध हो जाएगा, ठीक है। और शेष शब्दों यानी अंत का आध हो जाएगा। अंत का आध, किसी का अंत होता है तो उसका अंत नहीं, यानी आध बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक चला जाएगा। शाश्वत का हरदम रहने वाला, क्षणिक का बिल्कुल थोड़े समय में रहने वाला, बिल्कुल 1-2 सेकेंड के लिए। उसके बाद में हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अब रेखांकित यानी भावी, भावी पर रेखा खींची हुई है इस पर, तो इसका क्या हो जाएगा? अतीत। भावी का विलोम शब्द होगा अतीत होता है। पूर्व का विलोम पश्चिम, भविष्य का भूत। उसके बाद में बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा? बंधन, बंधन का क्या हो जाएगा? मुक्ति। बंधन का उचित विलोम मुक्ति होगा। किसी से बंध है, बंधन यानी बंधा हुआ, और मुक्ति मतलब उससे छूटा हुआ, उचित विलोम यही होगा मुक्ति, ठीक है। स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। अधम का विरुद्ध विद्वार्थी शब्द क्या होगा? तो अधम का हो जाएगा, अधम का हो जाएगा उत्तम। अधम का क्या होगा? उत्तम होगा। अधम शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम। नेक का बद, नेकी करो तो क्या कहते हैं? बदी मिलता है। बुरा करो तो अच्छा मिलता है। नरकी, नरक का हो जाएगा स्वर्गीय। उसके बाद में अध का क्या हो जाएगा? अध का क्या होगा? अध का विद्वार्थी शब्द क्या होगा? तो अध का इत हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अध का विरुद्धार्थी शब्द इति है। अन्य शब्द अध के विलोम शब्द नहीं है। उसके बाद में है ध्वंस। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस मतलब बिगाड़ना, विध्वंस नहीं होगा यहाँ, इसका हो जाएगा निर्माण। ध्वंस का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस और विध्वंस एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। दिए गए विकल्प में ध्वंस का विलोम निर्माण होगा।
तुल्य का विलोम अतुल्य होगा तथा प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? अपाच कुपाच, बर्बर सभ्य, शुक्ल कृष्ण, अज्ञ विज्ञ। अपाच और कुपाच ये एक दूसरे के उल्टा नहीं है, ठीक है, एक समानार्थी शब्द हैं ये दोनों। दिए गए विकल्पों में से अपाच और कुपाच जोड़ा उचित नहीं है क्योंकि कुपाच का विलोम सुपाच्य होता है, शेष विकल्पों की जोड़ी उचित है, यानी अपाच और कुपाच ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टा नहीं है। आगे दिया है, आयात किस शब्द का विपरार्थक है? आयात मतलब आने वाला और निर्यात मतलब जाने वाला, कोई सामान आए तो उसे कहते हैं आयात और किसी को भेजें तो उसे कहते हैं निर्यात, ठीक है, तो आयात का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात निर्यात का विपरार्थक शब्द। आगमन का विपरार्थक शब्द निगमन। आगमन का हो जाएगा निगमन, आगमन मतलब आना और निगमन मतलब जाना। भवन का अग्र हिस्सा, अग्र मतलब आगे का हिस्सा, अति भव्य है, तो अग्र का हो जाएगा पश्च। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, इसमें अग्र का विलोम पश्च होगा। अब मान लीजिए यहाँ पश्च ना होता, ठीक है, तो हम पीछे पर टिक लगा देते, ठीक है, लेकिन अग्र दिया है तो उसी शब्द के हिसाब से हम आंसर ढूंढेंगे। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प असम्मरण का विलोमार्थी शब्द है? सम्मरण, सम्मरण का हो जाएगा विस्मरण, स्मरण करना, विस्मरण करना, स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होता है, शेष तीनों असंगत हैं। आगे दिया गया, दिए गए विकल्पों में इससे कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त, संक्षिप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? विस्तृत, संक्षिप्त में लिखा विस्तृत में लिखा है, ठीक है, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत है, स्थिर का विलोम अस्थिर है तथा विकास का विलोम ह्रस्व है, ह्रास है। आगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद, उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूसी, आशा होगा नहीं, असंतोष होगा, औनत होगा नहीं, मायूसी होगा। उम्मीद का विलोम मायूसी होगा, आशा का विलोम निराशा, असंतोष का विलोम संतोष तथा औनत का विलोम उन्नति होगा। तो छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? गहरा, तृप्ति, उजाड़ना, पीठ। छिछला का विलोम गहरा होता है, उजाड़ना का विलोम बसना, बसाना, पीठ का विलोम पेट तथा तृप्ति का विलोम तृष्णा होता है, ठीक है, छिछला का क्या हो जाएगा? गहरा। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी का हो जाएगा जीवंतता, मूर्धनी यानी मुर्दा इंसान और जीवंतता मतलब जिसमें जान हो, ठीक है, तो जीवंतता इसका विपरीत हो जाएगा। आगे है, मूर्धनी का विपरार्थक हो जाएगा जीवंतता। उसके बाद में अस्थाई का अस्थाई, विषाद का हर्ष, तात्कालिक का दूरगामी। क्वेश्चन नंबर 152 है, नीचे दिए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा? व्यापक, व्यापक का हो जाएगा संकुचित, व्यापक मतलब व्यापक का विपरार्थक शब्द संकुचित हो जाएगा, जबकि विस्तार का विलोम संक्षेप तथा अध्यापक का विलोम अध्यापिका होता है। उसके बाद में नीचे दिए गए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष, अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा उत्कर्ष होता है, स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर। उसके बाद में दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है? तो क्रूर का हो जाएगा, क्रूर मतलब क्रोधी, क्रूर का हो जाएगा दयालु होता है, सबल का विलोम हो जाएगा निर्बल तथा अच्छा का होगा विलोम बुरा। अनुचित विलोम
अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है, अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है, अनुराग का विराग, उन्नत, कटु का मधुर, अल्पक का बहुग, उन्नत का उन्नत, ये वाला अनुचित है, मतलब सही मेल नहीं खा रहा, विलोम नहीं है सही। प्रश्नगत शब्दों का युग्म, विलोम शब्दों का युग्म है, इनमें उन्नत उन्नत परस्पर विलोम नहीं है, उन्नत का विलोम औन्नत तथा उन्नत का विलोम औन्नत ही होता है, से सभी परस्पर विलोम शब्द हैं। आगे है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती, दिए गए विकल्पों में से पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होगा परवर्ती होगा, शेष असंगत विकल्प है, यानी शेष बिल्कुल अलग विकल्प दिया गया है। घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय, आय का विलोम क्या होगा, व्यय, घर की आय का हिसाब माँ रखती है, वाक्य में प्रयुक्त आय, आय का विलोम व्यय होगा। उसके बाद अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, अस्थावर का जंगम, ये कहीं भी पूछ सकता है, आपकी बार आरओ यारों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थावर का विलोम पूछा गया था, अस्थावर का जंगम, सेवक का स्वामी, क्षुद्र का विशाल या विराट। आदि का विलोम शब्द क्या है, आदि का हो जाएगा अंत, क्या होगा, अंत, आदि का विलोम शब्द अंत है, शेष विकल्प उपयुक्त नहीं है। उसके बाद में है साकार, साकार का विपरीत शब्द क्या होगा, तो साकार का हो जाएगा निराकार, साकार का क्या होगा, साकार का उल्टा क्या हो जाएगा, निराकार। आगे है, साकार का विपरीत निराकार होगा, जबकि आकार का विलोम निराकार तथा विकार का विलोम अविकार होता है। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, यानी जो उल्टा इसका मतलब विपरीत में नहीं है, लभ का अलभ, लभ का यानी लाभ का अलाभ, शिष्ट का परशिष्ट, शेष का अशेष, शीर्ष का तल, शिष्ट और परशिष्ट, ये जोड़े मतलब सही नहीं है, ये एक दूसरे का विपरीत नहीं है। दिए गए विलोम शब्दों में शिष्ट परशिष्ट जोड़ा अनुचित है, शिष्ट का विलोम अपशिष्ट होगा, शिष्ट का विलोम क्या होगा, अपशिष्ट। उसके बाद में मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम, यानी आर्द्रता का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शुष्क, आर्द्रता मतलब नमी होता है, शुष्क मतलब गर्मी हो जाएगा, ठीक है, आर्द्रता का विलोम शुष्क होगा, सूखा का विलोम गीला होगा। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम क्या होगा, उदय का अस्त हो जाएगा, क्या होगा, अस्त। दिए गए विकल्पों में उदय का विलोम अस्त होता है, उदय का अस्त, अनंत का आद, मंद का द्रुत। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से संध शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, संध शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, तो संध का क्या हो जाएगा, विग्रह। दिए गए विकल्पों में संध शब्द का विलोम विग्रह होगा, सरस का विलोम निरस, सुगम का विलोम दुर्गम तथा सार्थक का विलोम निरर्थक है। जड़ का विरुद्ध अर्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, जड़ का विरुद्ध शब्द कौन सा है, तो जड़ का हो जाएगा चेतन, जड़ का क्या उल्टा होगा, चेतन, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द चेतन है, जबकि मूल का विलोम निर्मूल होता है। आगे है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो निर्मल का विलोम शब्द मलिन, निर्मल का क्या होगा, मलिन, निर्मल मतलब साफ सुथरा और मलिन मतलब मैला कुचैला। अभद्र का विलोम भद्र, विषम का विलोम सम, कोमल का विलोम कठोर होगा, क्या होगा, कोमल का कठोर। उसके बाद में दोस्तों विकल्पों, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्ध, थल का विरुद्ध क्या हो जाएगा, थल का हो जाएगा जल,
थल का विरुद्धार्थी जल होगा, जबकि कपट का विलोम निष्कपट होगा। आगे है दोस्तों, विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी उष्ण, उष्ण का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, इसका होगा शीत। उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द शीत है। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, उग्र का सौम, दुष्ट का सज्जन। उसके बाद में अतिवृष्ट का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, अतिवृष्ट का हो जाएगा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक बारिश होना, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल भी बारिश ना होना। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। शेष विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से उत्थान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्थान का उल्टा क्या होगा, पतन। दिए गए विकल्पों में से उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, चेतन का विलोम जड़। दिए गए विकल्पों में स्तुति शब्द का विपरीत शब्द, विपरीत शब्द कौन सा होगा, स्तुति, तो यह हो जाएगा निंदा। किसी की बड़ाई करना और किसी की बुराई करना, स्तुति मतलब किसी की बड़ाई करना और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। स्तुति का विपरीतार्थक शब्द होगा, शब्द निंदा होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द होगा, भी निंदा होगा। अशुभ का विलोम भी, अशुभ का विलोम क्या होगा, शुभ होगा। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत शब्द होगा, विकीर्ण का क्या होगा, तो ये हो जाएगा एकत्र। विकीर्ण मतलब इधर उधर करना और एकत्र मतलब इकट्ठा करना। विकीर्ण शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, एकत्र यानी संकीर्ण करना। उसके बाद में प्रचुर का विलोम शब्द, प्रचुर का हो जाएगा अल्प। प्रचुर मतलब अत्यधिक मात्रा में और अल्प मतलब बिल्कुल कम मात्रा में। उसके बाद में मृदुल का विलोम होगा कठोर, निम्न का हो जाएगा उच्च। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्ध, गति का विलोम, गति का क्या हो जाएगा, मंद। क्या होगा, मंद। गति का विरुद्ध क्या हो जाएगा, गति का विपरीत शब्द क्या होगा, मंद होगा। उसके बाद में है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का विपरीत शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अन्याय का होगा न्याय। नियमित का विलोम शब्द हो जाएगा अनियमित। असली का हो जाएगा विलोम नकली। असली का विलोम क्या होगा, नकली। उसके बाद में क्रय का विपरीतार्थक शब्द, क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, क्रय का हो जाएगा विक्रय। क्रय का विपरीत शब्द क्या होगा, विक्रय। खरीद का विलोम होगा बिक्री। खेद का विलोम होगा प्रसन्नता। आगे अग्र का हो जाएगा, अग्र का विलोम क्या होगा, पश्च। अग्र का विलोम क्या होगा, पश्च। नीचे का ऊपर, पूर्व का पश्चिम, आगे का पीछे। उसके बाद में दोस्तों महान का विपरीत शब्द क्या होगा, महान का तुच्छ हो जाएगा। उक्त शब्दों के विपरीत शब्द हैं महान का तुच्छ, वीर का कायर, सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन, सठ खल, धीर का अधीर। सज्जन का क्या 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 होगा, दुर्जन होगा, सठ होगा और खल होगा, ठीक है। उसके बाद में है नीचे दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्ध शब्द, कृपण का हो जाएगा उदार। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विपरीत शब्द होगा उदार होगा। कंजूस का उदार होगा, कंजूस कृपण का तद्भव रूप है, कंजूस कृपण का तद्भव रूप है। आगे है दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्ध, विरुद्ध शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्ध शब्द चुनिए। उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित। उपार्जित का विरुद्ध शब्द या विलोम अनुपार्जित होगा, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होगा, तथा सृजन का विलोम संहार होगा, ठीक है, संहार होता है। उसके बाद में है सुप्त का विलोम शब्द बताइए। सुप्त का विलोम क्या होगा, जागृत। सुप्त मतलब छुपाना और जागृत मतलब
बताना, ठीक है। शुब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? जागृत। ठंडी का विलोम हो जाएगा गर्मी। पौरस्त का विलोम होगा पाश्चात्य। उसके बाद में गाढ़ा, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? इसका पतला हो जाएगा। गाढ़ा का विलोम पतला होता है। सुख का विलोम दुख होता है तथा ढीठ का विलोम संकोची होता है। उन्नत शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नत का हो जाएगा औन्नत। क्या होगा? औन्नत। उन्नत का विलोम क्या होगा? औन्नत। उन्नत शब्द का विलोम औन्नत होगा। असफल का विलोम सफल होगा तथा पतन का विलोम उत्थान होगा। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्ध शब्द कौन सा है? ऋजु, ऋज मतलब सीधा, तो ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द होगा वक्र। सुर का विलोम हो जाएगा असुर। सरस का विलोम होगा नीरस। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है तीव्र का? तो इसका हो जाएगा मंद। क्या होगा? मंद। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद है। सरल का विपरीत शब्द है कठिन और कुटिल। तेज का विलोम हो धीमा। उसके बाद में 186 नंबर क्वेश्चन, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? गुप्त का प्रकट, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। कुटिल का सरल, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। सखा और दोस्त, एक दूसरे का पर्यायवाची है। यहाँ ये असंगत है यानी अलग है बिल्कुल। गुरु और लघु, एक दूसरे का उल्टा है यानी ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ ये पर्यायवाची है यानी ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। यहाँ असंगत पूछा गया था। दोस्त का सखा युग्म विलोम की दृष्टि असंगत है क्योंकि दोस्त का विलोम दुश्मन होता है। शेष विलोम युग्म के जोड़े संगत हैं। उसके बाद में कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता, स्वभाव की अनीता अनीता से बहुत पुरानी है। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर कोमल शब्द भरा जाएगा क्योंकि इस वाक्य में दो स्वभावों की तुलना की जा रही है। अतः विदित है कर्कश। कर्कश का विपरीत अर्थ क्या होगा? कोमल, ठीक है। आगे है विजय यानी विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी रहती है। विजय के साथ क्या है? पराजय। विजय का उल्टा क्या हो जाएगा? पराजय। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर पराजय शब्द भरा जाएगा क्योंकि विजय का विपरीतार्थक शब्द पराजय होता है। उसके बाद में भजन की सभा में धनी, धनी का उल्टा क्या हो जाएगा? धनी और निर्धन सावधान बैठते हैं। भजन की सभा में धनी और निर्धन साथ साथ बैठते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्पों के आधार पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर निर्धन सबसे उपयुक्त शब्द है क्योंकि यह धनी का विपरीतार्थक शब्द है। उसके बाद में इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। सरल, विस्तृत, अपने शब्दों में भावपूर्ण। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर विस्तृत शब्द भरा जाएगा क्योंकि संक्षिप्त का विपरीतार्थक शब्द विस्तृत होता है। अन्य सभी विकल्प विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ। सन्यासी का विपरीत क्या होगा? गृहस्थ। सन्यासी का समयक विपरीतार्थक शब्द ग्रस्त होगा। शेष विकल्पों को विलोम निम्नवत है। बैरागी का अनुरागी, शिष्ट का अशिष्ट, सुलभ का दुर्लभ। उसके बाद में व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मुख अभिनय किया?
मूक, अद्भुत मूक, मूक का हो जाएगा वाचाल। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर वाचाल शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि मूक शब्द का सम्यक विपर्यार्थक वाचाल होता है, अन्य सभी विकल्प वाक्य की दृष्टि से असंगत हैं। अब यहाँ विलोम शब्द समाप्त होता है, उसके बाद में शुरू होता है अनेकार्थ शब्द, यानी अनेक अर्थ शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। अर्क के लिए विमेल शब्द पहचानिए, अर्क अर्क के लिए विमेल शब्द अंतर है। अपवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। अपवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ अलग है, बाकी अपवन, काढ़ा और सूर्य ये अर्क के ही मतलब अनेकार्थी शब्द हैं। आगे है कर का अर्थ नहीं होता है। कर का क्या अर्थ नहीं होता है? कर का होता है हाथ, टैक्स, किरण, सूर्य नहीं होता है, ठीक है? यहाँ सूर्य अलग है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन 2018 में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न हैं। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। हत्या ने अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है? बाकी कनक, कनक का अनेकार्थ होगा सोना, सोना को भी कनक कहते हैं, धतूरे को भी कहते हैं और गेहूं को भी कहते हैं। अनंत का आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी, ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द ही है। महावीर का हनुमान, बलवान, 24वें जैन तीर्थंकर, ठीक है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, ठीक है? मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति है। भाग के अंतर्गत भाग्य, हिस्सा और विभाजन आता है, ठीक है? उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य, क्या होगा? सूर्य। दिए गए विकल्पों में अरुण का एक अर्थ सूर्य है। अरुण के अन्य अर्थ हैं लाल रंग, सूर्ख, प्रातःकालीन और प्रातःकालीन सूर्य,